हम स्टार्ट करते हैं विद द कार्डिक साइकिल ठीक है अच्छा अब देखने में आपको एक ग्राफ काफ़ी जो है ना आ, इस इस ग्राफ के अंदर जो है अगर मैं काउंट करूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ग्राफ्स हैं ठीक है थीके? और आपको जो एम सी क्यूज में आता है वो इस आ, जो है ग्राफ डिफरेंट ग्राफ्स के डिफरेंट रिलेशनशिप्स पूछे जाते हैं आपस में भी ठीक है और साइकिल के अकॉर्डिंग भी इसी तरह के एम सी क्यूज होते हैं ना ठीक है तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कार्डिक साइकिल है साइकिल का मतलब क्या है ठीक है साइकिल का मतलब होता है रिपीटेशन एग्री किसी भी जिसको हम कहते हैं कि वो साइकिल है दैट मीन्स कि वो बार 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 जो है वो रिपीट हो रही है ठीक है सो अगर हम कार्डिक साइकिल की यस yes, बहुत कुछ आता है जेवीपी के साथ भी आता है ईसीजी के साथ भी आता है हार्ट साउंड के साथ भी आता है ठीक है बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं लेकिन पहले हम इसको इस तरह से नहीं समझेंगे पहले हम ये समझेंगे कि कार्डिक साइकिल इट है क्या ठीक है so, सो कार्डिक साइकिल है क्या कार्डिक साइकिल जो है एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है हार्ट के अंदर ठीक है और ये साइकिल जो है वो दो ही फेज पे कंप्राइज होता है जिसमें ये सारे इवेंट्स होते हैं ठीक है यहाँ तो वो फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगा ठीक है जिसको हम सिस्टली कहते हैं ठीक है या वो फेज ऑफ रिलैक्सेशन होगा जिसको हम डेस्टली कहते हैं ठीक है सो so, अगर हम बात करते हैं वन का आर्टिक साइकिल सो वन का साइकिल क्या है इट्स इन द ऑल द इवेंट्स जो कि एक सिस्ली और एक डायस्टली के बीच में होते हैं ठीक है अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं कि हार्ट रेट कितना होता है एवरेज जो हार्ट रेट हम लेते हैं वो कितना होता है 60 टू 100 यस yeah, 60 टू हम जो है वो नॉर्मल रेंज है 60 से नीचे ब्रैडी है 100 से ऊपर टैकी है लेकिन अगर हम एक एवरेज ये इसमें तो फोर्टी जो है बीट्स का फर्क है ना लेकिन एक एवरेज लेना चाहे तो नॉर्मली हम कितना हार्ट रेट लेते हैं yes. ऐसे ही लेते हैं कि मिनट में हार्ट जो है वो टू टाइम्स बीट करता है ठीक है एक मिनट में सेकेंड कितने होते, है? 60. 60. 60. 60. 60 होते हैं हम सबको पता है इसका मतलब हुआ कि एक कार्डिक साइकिल जो है एक सेकंड से कम ड्यूरेशन का होता है तभी वो सेवेंटी टू टाइम्स बीट कर सकेगा ना एग्री यस yes, मैम ठीक हो गया सो किसी को कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन पता है कि एक कार्डिक साइकिल कितने ड्यूरेशन का होता है yes, का एक जो है वो कार्डिक साइकिल होता है ठीक है पॉइंट एट नहीं पॉइंट एट पॉइंट फोर नहीं तो हम कैसे निकालते हैं कार्डिक साइकिल अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ आपको जैसे आएगा हार्ट रेट आप निकालें ठीक है आपको कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन दी हुई है ठीक है तो हम कैसे निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल ये सिक्सटी क्या है ये एक मिनट में जितने सेकेंड्स होते हैं आप इसको जब जो भी हार्ट रेट है उससे डिवाइड करोगे जैसे हमने यहाँ सेवेंटी टू लिया तो ये हमारा वन कार्डिक साइकिल आ जाएगा का ड्यूरेशन आ जाएगा करके देखो कितना आता है जी eight, mm -hmm. आ गया no, सबका पॉइंट एट एट थ्री सेकेंड आ गया ये कार्डिक yes, no. साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन है अगर हार्ट रेट इज बीटिंग एट द सेवेंटी टू बीच ठीक हो गया सही है अच्छा अब मैं हार्ट को जो है बीट करवाती हूँ वन फिफ्टी पे अब निकालो जरा कार्डिक साइकिल Point point four, point point, किसका ठीक okay. okay. है अगर आपको एम सी क्यू में आता है ठीक है अगर आपको एम सी क्यू में आता है कि कार्डिक साइकिल जो है ठीक है वो पॉइंट टू सेकेंड का है क्या एम सी क्यू आता है कार्डिक साइकिल जो है वो पॉइंट टू सेकेंड का है ठीक है आप रेट निकालो कैसे निकालोगे क्या करोगे मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई करोगे देखो ये कार्डिक साइकिल है यहाँ आता है ठीक है तो ये अगर निकालना है तो ये भी डिवाइड ही होगा एग्री मल्टीप्लाई नहीं होगा ना समझ आई तो अगर मुझे कार्डिक साइकिल पॉइंट टू सेकेंड का मिलता है तो मुझे अगर हार्ट रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगी को पॉइंट टू से डिवाइड करूंगी देखो आ रहा है थ्री हंड्रेड हो गया अच्छा अब देखो सिक्सटी को थ्री हंड्रेड से डिवाइड करके देखो अगर थ्री हंड्रेड रेट है तो आ रहा है ड्यूरेशन कार्डिक साइकिल का yes, ठीक हो गया सो so, हम क्या है कि हम लेते हैं ठीक है अगर हमें कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन दिया हुआ है तो उसको साइकिल से डिवाइड करके हम हार्ट रेट निकाल सकते हैं और अगर हमें हार्ट रेट दिया हुआ है तो हम उससे कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं क्लियर मेन पॉइंट टू जो है वो कार्डिक साइकिल uh, है पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट एट हाँ मैडम मैंने point four, मैंने ज्वाइन क्यों करवाया ना जितना देखो जितना कार्डिक साइकिल छोटा होता जाएगा जितना हार्ट रेट तेज होता जाएगा उतना कैसे का, हाँ, कार्डिक साइकिल ने तो पूरा होना ही है ना तो क्या कॉम्प्रोमाइज होगा ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल कॉम्प्रोमाइज होगा ना देखो उसको सिस्टली भी कंप्लीट करनी है उसको डायस्टली भी कंप्लीट करनी है ये सिस्ली का ड्यूरेशन है ठीक है और ये जो है वो डायस्टली का ड्यूरेशन है ठीक है ये पूरा मिला के कितना होता है एक आड़ी साइकिल जब हार्ट रेट पॉइंट एट सेकेंड पे बीट कर रहा है ठीक है तो ये पॉइंट सेवेंटी टू पे बीट कर रहा है तो ये पॉइंट एट थ्री सेकेंड होता है तो आपको एमसीक्यू में आता है ना हार्ट रेट निकालना है कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन दिया हुआ होगा तो उससे आप हार्ट रेट निकालोगे समझ आती है बात मैम टाइम भी दिया होगा या नहीं टाइम नहीं होता सिर्फ कार्डिक साइकिल दिया होता है आपको दिया होगा कार्डिक साइकिल का टाइम ठीक है आपको 60 खुद लगाना होगा सिक्सटी से उसको डिवाइड करना होगा uh, मैम अगर इन्होंने दो uh, मतलब कि दो साइकिल का बताया हो सिक्सटी तो मैम सेकंड्स uh, है ना

ठीक है जो एम सी क्यूज वाले हैं जो रिकॉल है वो बहुत पुअर रिकॉल के हैं बहुत सारे ठीक है तो इसलिए क्योंकि अगर किसी ऐसे से पूछा जाए जिसको कैलकुलेट भी ना करना आता हो तो वो कुछ भी आपको बता देगा ठीक है तो जस्ट टेलिंग डोंट गेट कंफ्यूज विद दो क्यूज जब भी आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आए ठीक है जब भी आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आए तो आपको जो दिया होगा वो कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन ही दिया होगा ठीक है सही है आपको सिक्सटी से उस कार्डिक साइकिल के ड्यूरेशन से डिवाइड करना है सिक्सटी इज फिक्स्ड, ये फिक्स वैल्यू है सिक्सटी क्या है एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं आपको उसको कार्डिक साइकिल के ड्यूरेशन से डिवाइड करना है सिंपल जिन्होंने प्रीवियसली एमसी क्यूज किए उनको पता है कि MCQs में इस तरह के बहुत ग्लैचेस है। क्लियर है ये चीज आपने उन MCQs की को इतना बहुत बाय हार्ट नहीं लेना है आपने ये कहना है कि जब भी मुझे कार्डिक साइकिल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा या मुझे हार्ट वेट जब मुझे हार्ट रेट कैलकुलेट करना है दो चीजें ना आपको हार्ट रेट गिवेन है आपसे पूछा जाता है आप कार्डिक साइकिल कैलकुलेट करें तो भी आप 60 से हार्ट रेट को डिवाइड करेंगे तो कार्डिक साइकिल अगर आपको कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन गिवन है तो आप 60 से कार्डिक साइकिल के ड्यूरेशन को डिवाइड करेंगे तो हार्ट रेट आ जाएगा Is this clear? Yeah, इसी car. जी में हम कार, इसी जी के अंदर हम कार्डिक साइकिल के ड्यूरेशन को कैसे लेते हैं किसी को अब रिपीटेशन चाहिए में हम एक कार्डिक साइकिल कैसे बताते हैं कितनी देर का है कौन सा इंटरवल एक कार्डिक साइकिल को ईसीजी में बताता है ठीक है वो होता है इंटरवल देखो ये जो पूरा कार्डिक साइकिल जो नीचे बन रहा है ये पूरा जो कार्डिक साइकिल बन रहा है ये इस आर ईसीजी के और इस आर के बीच में बन रहा है दिस इज कॉल्ड आर आर समझ आती है बात वन कार्डिक साइकिल अगर मैं ईसीजी में कहूंगी ईसीजी के अंदर हम कहते हैं ना हार्ट रेट कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आर आर इंटरवेल देख के कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको फिर वापस जब ई सी दिखाऊंगी तो मैं आपको वहां पे कैलकुलेट भी करवाऊंगी ठीक है अच्छा जी अब जो कार्डिक साइकिल है उसके दो दो फेजेस हैं एक है द फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जिसको हम सिस्टली कहते हैं और एक है फेज ऑफ रिलैक्सेशन जिसको डायस्टली कहते हैं ठीक है अब जरा मुझे देख के बताओ कि कौन सा फेज बड़ा है दिख रहा है सबको ठीक है सो कंपेयर करें तो डायस्टली तकरीबन डबल होता है सिस्टली के तो अगर ये पॉइंट थ्री फाइव सेकेंड का है ठीक है यहाँ पॉइंट थ्री सेकेंड का तो ये पॉइंट फाइव सेकेंड का है तकरीबन डबल हो गया ना पॉइंट, का डबल पॉइंट होता है तो कौन सा ड्यूरेशन बड़ा है दाश्टी, दाश्टी का दाश्टी दाश्टी में हो क्या रहा होता है डायस्लि में अच्छा जब मैं सिस्ली और डायस्लि बात करूंगी तो मैं एक्चुअली बहुत बायस हूँ विथ रेफरेंस टू तो किसके बात करती हूँ हमेशा वेंट्रिकल के ठीक है मैं किसके रेफरेंस से बात कर रही हूँ वेंट्रिकल के सिस्टली और डायस्लि की जब हम बात करें तो हम वेंट्रिकल के रिलेशनशिप रे, में बात करें डायस्लि का मतलब क्या है क्या हो रहा है इसमें वेरी Very... नाम की रिलैक्सेशन है एक्चुअली क्या हो रहा है रिलैक्सेशन से लगता है जब फिलिंग कहते हैं तो लगता है हाँ कोई काम भी हो रहा है न? ठीक है और सिस्टली में क्या हो रहा है कंट्रैक्शन हो रही है ठीक है दैट मीन के इजेक्शन हो रही है ठीक हो गया क्लियर है यस मैम ठीक हो गया अब हम आ जाते हैं कि भाई सिस्टली के कौन से फेजेस होते हैं और डायस्टली के कौन से फेजेस होते हैं ठीक है और फिर हम एक है ग्राफ इस एक-एक ग्राफ को जो है हम वो डिस्कस करेंगे ठीक अच्छा अब अगर हम सिस्टली देखें आप लोग थोड़ा सा जो है जो है, है इमेजिनेशन करो कि ब्लड किस तरह से पंप होता है ठीक है तो हम जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन के हम पूरा पंपिंग ऑफ हार्ट को जो है वो इमेजिन कर रहे हैं ठीक है थी? सो आ, हुआ अब हम स्टार्ट सिस्टली से करेंगे ठीक है

के जो है सेमिल्यूनर वेल्स ओपन हो जाए ठीक है वो प्रेशर जो कि वेंट्रिकल बेल कर रहा है फॉर द ओपनिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वेल ठीक है जब एवी के दरवाजे भी बंद हैं और सेमील्यूनर खुले नहीं है वो फेज ऑफ सिस्टली को हम कहते हैं आइसो कंट्रैक्शन ठीक है आइसो वॉलमिक क्या है जब एवी क्लोज हो चुके हैं ठीक है लेकिन सेमील्यूनर अभी ओपन नहीं हुए इस इस में को volume of the ventricle same है, इस phase को जबकि है है हम क्या कहते हैं अगेन क्लोज योर आइज ठीक है, है? Again, eyes, फिर क्या हुआ वेंट्रिकल ने इतना प्रेशर बिल्ड कर लिया कि उसने सेमील्यूनर को खोल दिया ठीक है तो उसके अंदर जितना ब्लड था ठीक है उसमें से अमाउंट ऑफ द ब्लड जो है वो इजेक्टेड हो गया ठीक है उस फेज को हम कहते हैं इजेक्शन ठीक है ejection, जब इजेक्शन हो गई ठीक है तो वेंट्रिकल के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो खत्म हो गया डीपोलराइजेशन फेज का और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गई है ठीक है अभी हम उसको इसी चीज से रिलेट करेंगे ठीक है और क्या हुआ कि सेमी सेमील्यूनर जो है वो क्लोज हो गए लेकिन अभी एवी ओपन नहीं हुए हैं सेमी लीनर क्या हो गए हैं क्लोज हो गए हैं बट ये जो है एवी ओपन नहीं हुए दिस दिसमिक रिलैक्सेशन कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई हम ये एक रिपीट कर दू जी मैं फिर से रिपीट करती हूँ ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट द फेस ऑफ द सिस्टली सिस्टली मीन्स द फेस ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ठीक है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुई उस वक्त उस वक्त एवी क्लोज थे एग्री एवी क्लोज थे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि एवी क्लोज थे यस मैम ठीक है एवी जो है वो उस वक्त क्लोज थे ठीक है तो ये जो है ये क्लोज थे ठीक है लेकिन जो है ये भी क्लोज थे लेकिन ये भी क्लोज थे ये भी बंद पड़े हुए थे जब स्ली स्टार्ट हुई वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की तो उसने प्रेशर बिल्ड किया कि ये खुल जाए ठीक है तो वो प्रेशर जब ये भी बंद है और ये भी बंद है और इसमें प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो फेज हम कहते हैं कि ये फेज है आइसो वॉलम्बिक कॉन्ट्रेक्शन रिमेंबर जब ये आइसो आएगा ना आइसो इसका मतलब है सेम वॉल्यूम इसको क्या मतलब होता है सेम वॉल्यूम इसमें चारों वेल्व बंद होते हैं आइसो फेज में क्या होता है चारों वेल्स बंद होते हैं ठीक है आइसो वाल्मिक कॉन्ट्रैक्शन के में कौन से वेल्व्स खुलेंगे कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड को कहाँ जाना है सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाना है ना तो कौन से वेल्व खुलेंगे सेमील्यूनर खुलेंगे आइसोवलमिक रिलैक्सेशन में कौन से वेल्स खुलेंगे अब फिलिंग होनी है तो कौन से वेल्व खुलने चाहिए तो ए भी खुलेंगे कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई जी कितने लोगों ये बात समझ में आ गए एवरीबडी इट ठीक है सो आइसो वॉल्यूम का मतलब है चारों दरवाजे बंद है अब आपको जो है आपको जो है वो ये याद रखना है कि कौन से खुलेंगे मैं देखो मैं लिखूंगी नहीं और आपको आपको रट्टे नहीं लगाने हैं प्लीज अगर रट्टा लगाना है तो मैं रट्टे की तरह भी पढ़ा देती हूँ ठीक है जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन वंस के सिस्ली हो रही है आइसोवॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन है चारों दरवाजे बंद हैं, खुलने वाले कौन से होंगे अभी ब्लड को कहाँ जाना है ठीक है आइसोवॉलमिक रिलैक्सेशन हो रही है चारों दरवाजे बंद हैं, अब खुलने वाले कौन से होंगे ठीक है जब आपको एक बार इमेजिनेशन हो जाएगी आप कभी भी गलत नहीं करोगे इसको ठीक so, है सो आइसो वॉलमिक कॉन्ट्रेक्शन ए क्लोज है सेमिलर ओपन होने वाले हैं ठीक है जब सेमी लूनर ओपन होंगे तो ही इजेक्शन का फेस स्टार्ट होगा यस सेमी लूनर ओपन होने चाहिए सेमी लूनर किसको कह रहे हैं सेमी लूनर इज एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल ना ओके ठीक है सेमी जो है एबी वेल्स मींस माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड एचओ वेल एबी मींस एबी मींस ठीक well. well. है लेकिन जब हम कार्डिक साइकिल का ग्राफ देखते हैं तो ये जो हम ग्राफ्स देखते हैं वो पलमनरी प्रेशर के ग्राफ्स नहीं देख रहे होते ठीक है फिलिंग का ग्राफ तो सेम होता है ये प्रेशर जो होते हैं ये प्रेशर ग्राफ्स हम आयोटा के और लेफ्ट वेंट्रिकल के देखते हैं क्योंकि इनके प्रेशरज बहुत ज्यादा होता है हम पल्मोनरी साइड के प्रेशर के ग्राफ यूजुअली नहीं देख रहे होते लेकिन सेम थिंग इज हैपनिंग इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इनके प्रेशर जो है वो 0 बाय नहीं होते ठीक है क्लियर है ये चीज अच्छा आंजा बा एयोर्टिक वाल्व ओपन हो गए और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो गया ठीक है तो इजेक्शन हुई ठीक है इजेक्शन के लिए वी नीड द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स हायर देन आयोटा एंड इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन एग्री और डिसएग्री एग्रीमेंट ठीक है अगर प्रेशर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल में आयोटा से या पलमरी सर्कुलेशन से कम होंगे तो क्या कभी सेमील्यूनर वेल्स ओपन हो सकते हैं ये सारी प्रेशर की गेम है ठीक है सो प्रेशर शुड बी हायर ठीक है देन द आयोटिक वेल ठीक है इजेक्शन हुई इजेक्शन होने के बाद यहाँ पे देखो ये इजेक्शन का फेज आया ठीक है जब इजेक्शन हुई सिस्टली का एक ड्यूरेशन होता है ठीक है तो इस वक्त जो है टी वेव आ गई थी ठीक है अभी हम इसको रिलेट करेंगे रिपोलराजेशन की वेव आ गई थी और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन खत्म हो गई और वेंट्रिकल सॉरी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई और वेंट्रिकल <coughs> ने रिलैक्स होना शुरू कर दिया ठीक है जैसे ही वेंट्रिकल के प्रेशर्स आयोटा के प्रेशर्स से कम हुए जैसे ही वेंट्रिकल के प्रेशर्स आयोटा के प्रेशर से कम हुए आयोटा के दरवाजे बंद हो गए क्लियर जैसे ही वेंट्रिकल के वेंट्रिकल के दरवाजे खोलने के लिए वेंट्रिकल में ज्यादा चाहिए थे जैसे ही वेंट्रिकल के प्रेशर्स अयोटा से काम हुआ है वैसे ही अयोटा के दरवाजे बंद हो गए अब अयोटा के दरवाजे बंद हो गए हैं अयोटा भी देख लो पलमरी से पलमनरी वेल्व भी देख लो और अभी एवी वेल्व ओपन नहीं हुए क्योंकि एवी वेल्व को ओपन होने के लिए वेंट्रिकल के प्रेशर्स को कितना नीचे जाना है जीरो तक ये देखो ठीक है सो ये फेज कौन सा हुआ आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन मैम इसको थोड़ा समरी में रिकैप कर दें <laughs> क्या रिकैप करूं बेटा मुझसे आप पूछो क्वेश्चन पूछो, पूछो मुझसे मैं, मैं क्या रिकैप करूं आप में से कोई रिकैप करेगा एक बार जी मैम स्टार्ट में सारे वाल, जो थे वो क्लोज थे कंट्रैक्शन शुरू हुई है, आ, है? और वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकल्स में इतना प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया कि वो, वो, वो टिक और पे सर्कुलेशन से ज्यादा हुआ है तो जो वो ओपन वो है का। इसके बाद जैसे वो ओपन हुआ तो रिलेक्सेशन शुरू हुई और सिस्टली का जो है वो फेज कलेक्ट हो गया नहीं देखो उसके फॉर आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपने मिस कर दिया के बाद मैं मैं नहीं यही नहीं बताया कि यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक वॉल्योम हम तभी बोल रहे हैं क्योंकि दोनों साइड के वेल्व अभी क्लोज ए एवी तो क्लोज हाँ. है लेकिन सेमिनर भी अभी खुले नहीं है तो वॉल्यूम सेम है जिस वजह से हम उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन कह रहे हैं जिसके अंदर हमारे सेमिलिनर वेल्व ओपन होते हैं और वहां से ब्लड आके बाहर एओर्टा और पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है फिर एटा और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जब हमारे पास प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हमारे सेमुलिनर बंद होते हैं ठीक है तो इस वजह से जो है इस फेस को क्या कहते हैं रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ठीक है, है? रिलेक्सेशन। 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 हाँ मैम यही था ना हम्म ठीक है ये का फेस खत्म हो गया ठीक है अब कौन से वेल्व खुलने वाले है कौन से खुलने वाले हैं ए वी वैल एवी यस अब ए बी खुलने वाले हैं तो आप कौन सा फेज स्टार्ट होगा डाय का फेज स्टार्ट होगा ठीक है अच्छा अब कुछ डायग्राम से समझा दें ठीक है मैं डायग्राम से जो है ना अः समझाती हूँ लेकिन डायग्राम से समझाना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मेरे पास ना कोई एनिमेशन नहीं है इसका लेकिन ट्राई के मैं समझा दू देखो ये हमारे ए वी वैल ये ठीक है और ये ठीक है जब डायस्टली होती है तो ब्लड यहां से यहां वेंट्रिकल्स में फेल होता है ठीक है फिलिंग के लिए क्या जरूरी है कि ये वेल ठीक है क्लोज हो और चौथा वाला वेल्व यहाँ पे ये रह, ये वैल ये जो है सेमील्यूनर वेल्व है ये दो ठीक है ये सेमिल्यूनर वैल्व क्लोज हो ठीक है और ये वाले वेल्स ओपन हो ताकि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाए ये फेज जो है फिलिंग का फेज होता है ये फेज जो है ये ज्यादा ड्यूरेशन का होता है और हमने कहा कि फिलिंग जो है वो पॉइंट फाइव सेकेंड की होती है और फिलिंग कैसे होती है वो अभी हम बाद में बात करेंगे जब ये वेल खुल गए तो बेसिकली फिलिंग स्टार्ट हो जाती है फिलिंग के भी जो है वो रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग होती है ठीक है ये भी हम थोड़ी देर बात करेंगे लेकिन ये फिलिंग हो गई ठीक है इस फेज को हम कहते हैं डेस्ली डाइसली मीन्स द रिलैक्सेशन इस वक्त वेंट्रिकल के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे ये वेंट्रिकल के मसल है ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि सिसली का ये भर गया ठीक है ये भरने के बाद क्या हुआ कि जो है यहां का प्रेशर जो है ठीक है इसके प्रेशर से ज्यादा हो गया तो ये दरवाजे बंद हो गए ये दरवाजे बंद हो गए ठीक है जब ये दरवाजे बंद हो गए और ये भी ये तो पहले से बंद थे ठीक है तो इस फेज को जब यहाँ कॉन्ट्रेक्शन अब क्या हो गई यहाँ कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गई है इस फेज को हम कहते हैं आइसो वॉलेम में कॉन्ट्रेक्शन ठीक है फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इसमें प्रेशर इतना बिल्ड हो गया इतना बिल्ड हो गया कि उसने ये दरवाजे खोल दिए ये दरवाजे खुल गए ये जो बंद थे ये दरवाजे क्या हुए खुल गए जब ये खुले ठीक है तो उस वक्त जो फेज था वो इजेक्शन का फेज था ठीक है इंजेक्शन का फेज था ठीक है इंजेक्शन के बाद प्रेशर जो है वो यहां पर ज्यादा हो गए इन्होंने क्या किया इन दरवाजों को बंद कर दिया फिर से ठीक है अब ये दरवाजे बंद हो गए हैं और ये अभी तक खुले नहीं है इस फेज को हम कहते हैं आइसो रिलैक्सेशन क्लियर जी ओके okay. अब हम क्या करने वाले हैं हम हर ग्राफ को अलग अलग देखेंगे आइसोलेशन में ठीक है और जिस ग्राफ को मैं दिखा रही होंगी पहले आपका फोकस सिर्फ उसी ग्राफ पे जाना चाहिए ठीक है बाकी चीजों को अब हम नहीं देखेंगे अब हम सब कुछ भूल गए हैं अब हमें सिर्फ ये पता है कि कार्डिक साइकिल के दो फेज हैं सिस्ली और डायस्ली ठीक है सिस्ली स्टार्ट होती है विस आ, आइसो वॉलेमिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ और फिर उसमें इजेक्शन होती है और डायस्लि स्टार्ट होती है आइसो वॉलेमिक रिलैक्सेशन के साथ और फिर उसमें फिलिंग होती है क्लियर ठीक है अब हम ईसीजी देखते हैं अब आप मुझे ये बात बताओ कि जो, जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होती है या मैकेनिकल एक्टिविटी पहले होती है तो आप मुझे electrical. बताओ कि कौन सी एक्टिविटी पहले किसी को डाउट है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले नहीं होती है किसी को डाउट तो नहीं है इसमें ठीक है वेंट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ईसीजी पे कैसे दिखती है वेंट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ईसीजी पे कैसे दिखती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यस वेंट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो जो डीपोलराइजेशन की वेव होती है वो एज अर एस कॉम्प्लेक्स दिखती है और जो रिपोलराइजेशन की वेव होती है वो एज वेव दिखती है ठीक हो गया अब ये ऐसी क्यों बनती है ये हम बाद में बात करेंगे ठीक है लेकिन ये वेंचिकुलर डीपोलराइजेशन है ठीक है और ये वेंचिकुलर रीपोलराइजेशन है ठीक है अब हम आ जाते हैं कार्डिक साइकिल में अब आप मुझे बताओ कि ये वेंचिकुलर जो डीपोलराइजेशन की वेव है ये सा साइकिल में कहाँ सिस्टली में बननी चाहिए या डायस्टली में बननी चाहिए अगर डायस्टली में बननी चाहिए तो कहाँ बननी चाहिए अगर सिस्टली में बननी चाहिए तो कहाँ बननी चाहिए कीपिंग इन व्यू कीपिंग इन व्यू दैट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैकेनिकल एक्टिविटी से पहले होती है एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन हो सकती है ठीक है बिजली आएगी तो पंखा चल सकता है ठीक है अब हम इसको इसी जी से अब इसको हम कार्डिक साइकिल से रिलेट करते हैं ठीक है यहां पे देखें यस yes. तो जो क्यू और आर आदि है जो क्यू और आर आदि है यानी डिपोलराइजेशन की जो वेव है वो सिस्टली से जस्ट बिफोर स्टार्ट होती है तो सिस्टली स्टार्ट होती है समझ में आई ये बात Q और आदि यानी की वेव क्योंकि जो है वो अच्छा इसका ड्यूरेशन कितना होता है पूरी का सिर्फ बहुत फास्ट होती है ये वेव ठीक है सो ये स्टार्ट जस्ट हेड ऑफ सिस्टली यानी पहले ये आएगी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो ये मैकेनिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट होगी समझ आ गई बात ठीक है अब आप मुझे बताओ टी वेव क्या शो करती है Ventricular. क्या शो कर दिया दूसरी अब ये, ये कहाँ बननी चाहिए ये कहाँ बननी चाहिए रेस्टली में बननी चाहिए या रेस्टली से पहले बननी चाहिए से पहले पहले होनी चाहिए ना तो इसका मतलब कहाँ होनी चाहिए डेस्टली से पहले क्या होता है डेस्टली से पहले क्या होता है मै आइसोवॉल्यूम इजेक्शन नहीं डैस्ली से पहले क्या होता है सिस्ट जो आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन एक पूरा फेज क्या होता है सिस्टली होता है ना डैस्ली से ने पहले ने. क्या होता है इसका मतलब है टी जो है वो सिस्टली में ही बनेगी ठीक हो गया एग्री और डिसएग्री यस ठीक हो में गया में तो टी वेव टी वेव कहां बनेगी सिस्टली अब एग्जैक्टली exactly, आप अगर एग्जैक्टली exactly बोलना चाहेंगे कहाँ बनेगी तो हम ये कहते हैं कि जब जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स खत्म होगा ठीक है एस टी सेगमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है टी वेव बनेगी तो ये जो है सिस्टली का आधा फेज निकाल के बनेगी लेकिन आपको एम सी क्यू में क्या आएगा टी वेव कहाँ होती है कार्डिक साइकिल में अगर आप कॉरेस्पॉन्ड करो उसको तो वो कहाँ होती है सिस्टली में होती है कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गई ये टी वेव है इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो इसी चीज से हमने रिलेट कर दिया कार्डिक साइकिल को हमने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को रिलेट कर दिया हमने टी रिलेट किया अभी सिर्फ साइकिल से रिलेट किया अभी हमने किसी और और मतलब यूजुअली जेवीपी के साथ भी इसका रिलेशनशिप आता है वो अभी हमने नहीं किया हम जेवीपी जरा थोड़ी देर बाद करते हैं तो है देखो क्यू और आर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होगी इसकी क्यू और आर की तो ये सिस्टली से पहले होगी मैम okay, ठीक है इसकी क्योंकि अगर ये नहीं बिगनिंग पहले नहीं होगी तो सिस्टली स्टार्ट नहीं हो सकती कॉन्ट्रेक्शन हमेशा पंखा हमेशा बाद में चलता है पहले बिजली आएगी तो पंखा चलेगा ठीक है सो बिजली man. जो है वो ये बिजली है ठीक है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी सिस्टली इज अ मैकेनिकल एक्टिविटी तो मैकेनिकल एक्टिविटी होगी मैम तो जो एस टी सेगमेंट होता है वो भी हम कॉन्ट्रेक्शन ही लेते हैं फिर वेंट्रिकल्स की आप देखो एस टी सेगमेंट कहाँ बन रहा है ये देखो सिस्टली में बन रहा है ना उसके बाद ही टी वेव स्टार्ट हो गया ना ये देखो जी वो यानी एस टी सेगमेंट शो क्या करता है द वेंट्रिकल्स दे आर कंप्लीटली डिपोलराइज्ड ठीक है अभी हम बात करेंगे ईसीजी अभी हमारा टॉपिक है हम इसमें डिटेल में बात करेंगे अभी मैंने ना सेगमेंट्स की बात की है ना इंटरवल की बात की है ठीक है अभी हम जब नेक्स्ट उसमें कनेक्ट होंगे पहले हम इसी को कंप्लीट करेंगे ये क्लियर है यहां पे अभी जो मोटा मोटा मैंने बताया इज दिस क्लियर यस मैम ठीक हो गया अब हम आ जाते हैं जो आसान ग्राफ है ना पहले वो कर लेते हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं फोनो कार्डियोग्राम पे यानी की हार्ड साउंड फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ बात में करेंगे अब हम, हम

The closure of AV wall produces the first heart sound, and the closure of AV wall occurs at the beginning of the isovolumic contraction, it means that the first heart sound occurs at the beginning of systole. Now, second heart sound occurs due to? Second heart sound occurs due to? Of semilunar ball. Oh, so when does the semilunar ball closes? No, not at the relaxation. At the beginning of relaxation. Okay.